जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आज 16 अगस्त 2021 दिन सोमवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोली विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवाकर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078, मास श्रवण, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, वार सोमवार, नक्षत्र अनुराधा, योग इंद्र, राहु काल 7:29 AM से 9:08 AM तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:51 PM तक है। दिशाशूल पूर्व। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दर्पण देखकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफ़ी सोच कर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना चाहें शुरू कर लेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज होने वाली घटनाओं से आपकी वित्त संबंधी नज़रिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करना प्रेम संबंधों के लिए बहुत शुभ है। वृषभ राशि, पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्ता का पता चलेगा। इसी से आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती, जब जागो तभी सवेरा। योजना बनाकर आप सभी कामों को सही ढंग से कर भी पाएंगे। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफ़ेद। उपाय, पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए लोहे के बर्तनों का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को करें। मिथुन राशि, आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी लें। हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचाने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। आपको धीरज से काम लेना होगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय, किन्नरों बुध नपुंसक है का भूल कर भी अपमान ना करें व यथाशक्ति इनको दान देने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कर्क राशि, आज आप थोड़े से अभिमान में रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर सोचेंगे और काम करेंगे। इसी के कारण आप किसी बड़े अधिकारी से बात करते हुए आंखें नहीं मिला पाएंगे। यह अच्छा होगा या बुरा, यह आज आपको सोचना है। हमारी सलाह यह है कि आज अपने दिमाग की सुने, व्यवहार कुशलता का परिचय दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय,
पलाश पुष्प शंकाश तारका ग्रहम मस्तकम रौद्रम रौद्रत्मकम घोरम तम केतु प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। सिंह राशि, आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखेगी। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाएं। अपने करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते हुए सावधान रहें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफ़ेद। उपाय, घर में लाल रंग के पर्दे और चादर का प्रयोग करें। कन्या राशि, आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है, फ़ोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली पार्टियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ वित्तीय परेशानियां अपने आप दूर होती जाएंगी। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय, हरी मूंग का खाने में प्रयोग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुला राशि, आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी, उनके बारे में चिंता ना करें। आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें क्योंकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, आज रचनात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए आप पीले चने की दाल गाय को खिला सकते हैं। वृश्चिक राशि, इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आप उन्हें जितने जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाल मिर्च सूर्य की कारक वस्तु का भोजन में संतुलित प्रयोग करें। धनु राशि, आज का दिन कुछ अजीब सा रहेगा। कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप ग्रहों से मिलने वाली ऊर्जा का ध्यान रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जीवन के इस मोड़ पर आपको सही रास्ता मिलना ही आपका आगे का भविष्य तय करेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, केतु यंत्र को घर में स्थापित कर पूजा करने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मकर राशि, आज आप बदली हुई भूमिका में हैं। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से रहे ही हैं, अब आप बेहतर श्रोता भी बन गए हैं। अब सबको यह पता चल जाएगा कि आप आत्म केंद्रित नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की इच्छा रखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला आपकी बहुत मदद करेगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, नरसिंह चालीसा व आरती पढ़ने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है। अगर आप अपनी नौकरी या कैरियर में कोई बदलाव लाने या कोई नया संबंध बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज से अच्छा कोई भी दिन नहीं हो सकता। अगर आपको इसमें कोई जोखिम लगता भी है तो भी एक मौका ज़रूर लें और सब कुछ जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होने की पूरी संभावना है। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय, गंगा जल को लगातार 108 दिन घर में छिड़कने से पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर रहेंगी। मीन राशि, आपकी अपने पिछले समय में से किसी पुराने व्यक्ति से मिलने की संभावना है और यह व्यक्ति आपके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सहायता करने और लेने में अपने पूर्व ग्रहों को आड़े ना आने दें।
इससे आपकी प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब कोई भी बदलाव नई सफलता ही लाएगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय: लगातार 108 दिन किसी भी बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श करना पारिवारिक सुख के लिए लाभकारी है। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।